अंबाला नगर निगम में शुक्रवार को आईएएस अधिकारी डॉक्टर पार्थ गुप्ता ने बतौर कमिश्नर अपना कार्यभार संभाल लिया है। पहले दिन अंबाला नगर निगम पहुंचे नए कमिश्नर का पूर्व कमिश्नर डॉक्टर सुशील कुमार ने स्वागत किया और नगर निगम की जानकारी दी। इस दौरान नए कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने पर उनका प्रमुख ध्यान रहेगा। वहीं नगर निगम में कर्मचारियों के वेतन की समस्या को लेकर कमिश्नर ने कहा कि नगर निगम की आमदन और खर्चों का आंकलन कर तालमेल बनाया जाएगा। देखिए, नगर निगम अंबाला का चार्ज मैंने आज संभाला है, तो अभी कुछ समय में परिस्थिति यहाँ पे कैसा है, क्या शहर की स्थिति है, हमारी बाकी रिसोर्सेज वगैरह क्या है, उसको एक बार देख के मुख्य प्रॉब्लम्स जो है शहर की उसका आंकलन लेके आगे की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। देखिए, नगर निगम में मेन फोकस तो मेरे ख्याल से जो स्वच्छता जो है, जो सैनिटेशन का है, उस पर जो है हमारा काफ़ी फोकस रहेगा। उसके अलावा जो विशेष करके यहाँ के नगर निगम के विशेष जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी हमारा ध्यान रहेगा। देखिए, उसका पहले एक तो मैं जायजा ले लूँ क्या है स्थिति कैसे है। आगे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू जहाँ से आता है, उन जो चैनल्स को देखा जाएगा कि वहाँ पे कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं। जो हमारे कॉस्ट्स हैं, जहाँ खर्चे होते हैं, उनको देखे कि कहाँ पे हम लोग किफ़ायती तरीके से काम कर सकते हैं। दोनों का बैलेंस करके ही स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।